আৰু এই ঘটনা সন্দৰ্ভত, নাগালেণ্ডৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে লোকসভাত মন্তব্য আগবঢ়াইছে। আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ কৰি আছো কি শীঘ্ৰ সামান্য স্থিতি বহাল হো। ইয়া নিৰ্ণয় লিয়া গয়া হে কি সবি এজেন্সিয়োক ইয়া সুনিশ্চিত কৰা চাহিয়ে কি বিদ্রোহীকে খিলাফ অভিযান চলাতে সময় ভৱিষ্য মে এসি কৈ দুৰ্ভাগ্যপূৰ্ণ ঘটনা কি পুনৰাবৃত্তি ন হো। চৰকাৰ স্থিতি পৰ সূক্ষ্মতা সে নজৰ ৰখ ৰহী হে और क्षेत्र में शांति और सौहार्द सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता अनुसार जरूरी उपाय भी किए जा रहे हैं। राज्य प्राधिकारियों ने एहतियात के तौर पर प्रभावित इलाकों में निषेधाज्ञा लागू की है। भारत सरकार नागालैंड में हुए इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर अत्यंत खेद व्यक्त करती है और मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती है। आइटम नंबर 79 मैंने सबको पर्याप्त मौका दे दिया है, कोई रिकॉर्ड में नहीं आएगा। आइटम नंबर 7 राष्ट्रीय औषध शिक्षा अनुसंधान संशोधन विधेयक 2021 माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आई राइज टू मूव दैट द नेशनल, सबको मौका दिया मैंने और सभी दलों के नेता को पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दिया है। तरीका ठीक नहीं है आपका। 2020 सबको मौका दिया है मैंने, बी टेकन इन टू द कंसिडरेशन। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप लिख के दीजिए, कोई बात हो लिख के दीजिए, और फार्मास्यूटिकल लिख के दीजिए आप। रिसर्च ये देश में फार्मा सेक्टर में रिसर्च करने वाली महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट है। वर्तमान समय में पहले एक इंस्टीट्यूट हुआ करती थी, आज बढ़ के उसकी संख्या 7 हो गई है। और फार्मा सेक्टर में रिसर्च करने के लिए ये इंस्टीट्यूट